यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। चलिए बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव आर के खुल्लर के साथ हरियाणा कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल की दो बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन एक बार फिर से सरकार के साथ कर्मचारी महासंघ की बैठक होनी है। दरअसल कर्मचारी नेता समान काम समान वेतन, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, सातवें वेतन आयोग को पूरे तरीके से लागू करना, जोखिम भत्ते समेत तमाम मांगों पर सरकार के साथ चर्चा कर रहे हैं। इसी दौरान महिला स्वास्थ्य कर्मचारी और साथ ही सुपरवाइजर संघ की राज्य सचिव कृष्णा राणा ने कहा कि उन्होंने सरकार के सामने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की कई मांगे रखी। राणा ने कहा कि उनकी मुख्य मांगे जो हैं, एचआरए लागू करना और 4200 ग्रेड पे करने, साथ ही आईएचवी के पद से आगे पदोन्नति करना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही स्वास्थ्य विभाग के निदेशक से उनकी बैठक होगी, जिसमें उनकी मांगों पर विस्तार से चर्चा की जानी है। तो सीएम के मुख्य सचिव के साथ ही बैठक होनी है, कर्मचारी महासंघ बैठक करेगा और ये जो बैठक होनी है इसमें मांगों को लेकर चर्चा की जानी है। आपको बता दें कि पहले ही ये घोषणा की जा चुकी थी कि मांगों को लेकर चर्चा की जाएगी, चंडीगढ़ ये बैठक बुलाई जाएगी। इसी कड़ी में आज ही बैठक की जानी है। पंजाब के समान वेतन मान दिए जाने, समान काम समान वेतन और कच्चे जो कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए समेत जितनी भी इनकी मुख्य मांगे हैं उनको लेकर बैठक के दौरान चर्चा संभव है। मैं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हूँ और हमने मांग रखी है, एक तो जो एचआरए है वो जल्दी से जल्दी दिया जाए और जो हमारी प्रमोशन है वो समय पे की जाए, क्योंकि विभाग में 130 सीट वैकेंट है और हमारी प्रमोशन 2.5 साल से एक भी लिस्ट नहीं मिली। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की मांगे हैं, उनको एक तो टेक्निकल घोषित किया जाए और हमारा ग्रेड पे 4200 किया जाए, मुख्य मांग हमारी है। एचआरए तो जल्दी से शीघ्र लागू किया जाए, एचआरए तो सभी की सुनकर